नमस्कार, मैं हूं आस्था और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आज इस बुलेटिन में बात करेंगे यूपी में स्मार्ट सिटी योजना को लेकर क्या है तैयारी, जेई भर्ती में बीटेक बीई डिग्री धारी कब तक कर सकते हैं आवेदन, आईटीआई में एडमिशन को लेकर क्या हुए बड़े बदलाव और अंत में बात करेंगे पीजीआई की उस तकनीक के बारे में जो बताएगी हवा में कितनी तरह के मौजूद हैं वायरस। इसके अलावा प्रदेश की और भी कई खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। साल 2014 में शुरू केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी योजना 4 दिन बाद समाप्त हो जाएगी। हालांकि इससे पहले ही इसे फिर से लॉन्च करने की तैयारी है। राजधानी में इस बार पूरा शहर इसके दायरे में आने की उम्मीद है। योजना को लेकर हाल ही में दिल्ली में बुलाई गई विशेष बैठक में शामिल होने के लिए स्मार्ट सिटी के अफसर भी गए हैं। बता दें कि स्मार्ट सिटी योजना का समय मार्च 2022 में पूरा हो गया। इसके बाद जून 2023 तक का वक्त काम पूरा करने के लिए इस शर्त के साथ दिया गया था कि जो खर्च आएगा शहर उसे खुद उठाएंगे। जून 2023 तक भी काम पूरा ना हो पाने पर 1 साल का समय और बढ़ाया गया। अब सभी काम जून 2024 तक पूरे किए जाने हैं, जिसमें 4 दिन बचे हैं। इसी बीच योजना को फिर से लॉन्च करने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जूनियर इंजीनियर भर्ती में बीटेक बीई डिग्री धारकों के लिए आवेदन का लिंक खोल दिया गया है। कोर्ट के आदेश के मद्देनजर बीटेक बीई डिग्री धारकों को आवेदन का मौका देने के लिए आयोग ने आवेदन की अंतिम तिथि भी 13 जुलाई तक बढ़ा दी है। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 28 जून 2024 थी। इसके अलावा फीस भरने की अंतिम तिथि 20 जुलाई 2024 तय की गई है। बता दें कि 21 साल कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद बीटेक डिग्री धारियों को जूनियर इंजीनियर भर्ती में आवेदन का मौका मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने 7 जून के आदेश में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को सिंचाई विभाग की जूनियर इंजीनियर भर्ती के लिए बीटेक डिग्री धारियों के आवेदन स्वीकार करने का आदेश दिया था। सरकार ने राजकीय और निजी आईटीआई में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों को ओपन चॉइस फिलिंग यानी विकल्प चुनने की खुली छूट प्रदान की है। 2024-25 के साथ ही आगामी अन्य सत्रों के लिए प्रदेश के राजकीय और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी आईटीआई में प्रवेश प्रक्रिया को संशोधन के साथ निर्धारित किया गया है। इसके तहत अभ्यर्थी अपनी स्वेच्छा से ग्रुप ए और बी के वरीयता क्रम में प्रदेश के किसी भी जनपद संस्थान और पाठ्यक्रम का विकल्प चूज कर सकते हैं। अभी तक अभ्यर्थी प्रवेश के लिए अधिकतम 3 जनपदों, 6 संस्थानों और 10 व्यवसाय का विकल्प दे सकते थे, जबकि निजी आईटीआई के लिए ये सीमा 3 जनपदों के अधिकतम 25 संस्थानों तक थी। प्रदेश में आधार की तर्ज पर ही किसान कार्ड बनाया जाएगा। इसके लिए 1 जुलाई से पूरे प्रदेश में किसान रजिस्ट्री की शुरुआत की जा रही है। इसमें किसान का आधार नंबर, खेत का रकबा, खसरा नंबर आदि का विवरण दर्ज किया जाएगा। इसके बाद 1 किसान नंबर जारी होगा। इस नंबर के जरिए ही संबंधित किसान का पूरा विवरण देखा जा सकेगा। रजिस्ट्री का कार्य पूरा होने के बाद किसान कार्ड बनाया जाएगा। रजिस्ट्री से मिलने वाले नंबर के जरिए ही दिसंबर से पीएम किसान सम्मान निधि सहित अन्य योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। कृषि विभाग का दावा है कि पूरे प्रदेश में एक साथ किसान रजिस्ट्री शुरू करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। कंफर्म नहीं होने पर ऑटोमेटिक कैंसिल होने वाले टिकटों पर लगने वाला चार्ज रेलवे खत्म कर सकता है। इसे लेकर मंथन शुरू कर दिया गया है। रेलवे अफसर इससे होने वाली राजस्व हानि से लेकर यात्रियों को मिलने वाली सुविधा तक तमाम पहलुओं पर विचार विमर्श कर रहे हैं। IRCTC की वेबसाइट से सर्वाधिक टिकट बनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त रेलवे आरक्षण केंद्रों से भी पैसेंजर टिकट बनवाते हैं। ऑनलाइन बनवाए जाने वाले टिकट यदि कंफर्म नहीं होते और वेटिंग में रह जाते हैं तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाते हैं। ऐसे में रेलवे 60 रुपए का क्लरिकल चार्ज काटने के बाद शेष धनराशि यात्रियों को लौटाता है। वहीं काउंटर से बनने वाले वेटिंग टिकटों पर रेलवे यात्रा की सुविधा प्रदान करता है। उत्तर प्रदेश के सभी एक्सप्रेसवे को आपस में जोड़ा जाएगा। फरुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे के जरिए आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे को जोड़ने के अतिरिक्त ऐसी अन्य परियोजनाओं के लिए एजेंसी का चयन उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने कर लिया है। एजेंसी विस्तृत रिपोर्ट यानी कि DPR तैयार करेगी। यूपीडा की बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। देश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाले उत्तर प्रदेश में सड़कों का नेटवर्क फैल रहा है। सीएम योगी की मंशा के अनुरूप सभी एक्सप्रेसवे को आपस में जोड़ने का काम तेजी से हो रहा है। इसी कड़ी में चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जोड़ने का प्रस्ताव है। वहीं बलिया लिंक एक्सप्रेसवे का भी निर्माण किया जा रहा है। सेना को दुश्मन के साइबर हमलों से सुरक्षित रखने का बीड़ा IIT कानपुर ने उठाया है। इसके लिए IIT कानपुर स्थित C3I हब और सेंट्रल कमांड हेडक्वार्टर के बीच समझौता हुआ है। IIT में स्थापित अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब C3I हब में साइबर सुरक्षा से जुड़े अलग अलग टूल विकसित किए जा रहे हैं। इसमें क्रिटिकल
इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ रक्षा क्षेत्र से जुड़े उत्पाद व तकनीक को सुरक्षित रखने के लिए साइबर सुरक्षा सिस्टम विकसित किए जा रहे हैं। सेना के अधिकारियों ने कुछ दिन पहले IIT कानपुर का भ्रमण कर हथियारों के साथ ही साइबर सुरक्षा से जुड़ी जानकारी हासिल की थी। अब इस MOU के बाद संस्थान में विकसित अत्याधुनिक साइबर सुरक्षा टूल सिस्टम तकनीक व उत्पादों का प्रयोग कर सेना को सुरक्षा प्रदान की जाएगी। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए योगी सरकार ने प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित जैनेश्वर मिश्र पार्क के बृहद कायाकल्प की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लखनऊ के गोमती नगर में स्थित इस पार्क में लंबे वक्त से एक स्पेशलाइज्ड स्पोर्ट एरिना होने की कमी यहां जाने वाले लोगों को महसूस होती है। ऐसे में अब जैनेश्वर मिश्र पार्क को आधुनिक स्पोर्ट जोन बनाने की तैयारी है। खास बात यह है कि इन विकास कार्यों के जरिए जन स्पोर्ट एमिनिटीज से पार्क को लैस किया जाएगा। उसमें क्रिकेट, फुटबॉल व वॉलीबॉल ग्राउंड समेत टेनिस कोर्ट मुख्य हैं। इन सभी निर्माण कार्यों को पर्यावरण संरक्षण के मानकों व अन्य महत्वपूर्ण गाइडलाइंस का पालन करते हुए पूरा किया जाएगा और सभी निर्माणों की उच्च गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए भी एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बनाया जाएगा। विद्युत उपभोक्ताओं पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर से बिजली कनेक्शन लेना भारी पड़ सकता है। यूपी पावर कॉरपोरेशन ने विद्युत नियामक आयोग में प्रस्ताव दाखिल कर स्मार्ट प्रीपेड मीटर के कनेक्शन जोड़ने व काटने यानी कि डिसकनेक्शन व रीकनेक्शन का शुल्क ₹50 प्रस्तावित किया है। इतना ही नहीं, कनेक्शन पर जीरो बैलेंस होने की स्थिति में जो मैसेज आएगा उसके लिए भी उपभोक्ताओं से ₹10 वसूलने का प्रस्ताव है। बता दें कि दाखिल प्रस्ताव का विरोध करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा का कहना है कि प्रस्ताव पूरी तरह से असंवैधानिक है। देश भर में ऐसी कहीं व्यवस्था नहीं है। लखनऊ PGI बताएगा हवा में कौन से खतरनाक वायरस मौजूद हैं। संस्थान में माइक्रोबायोलॉजी विभाग के निर्देशन में क्षय रोग जैव सुरक्षा स्तर 3 यानी BSL-3 लैब बनकर तैयार हो गई है। जांच से जुड़े उपकरण और मशीन स्थापित की जा रही है। यहां खास तौर पर TB रोगियों का कल्चर, ड्रग सेंसिटिविटी और मॉलिक्यूलर परीक्षण होगा। साथ ही शोध पर काम भी किया जाएगा। जुलाई में ट्रायल होने के साथ ही वायरस की जांच शुरू हो जाएगी। इससे TB मरीजों को पहले से बेहतर इलाज मिल सकेगा। बता दें कि अभी तक PGI में ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट की सुविधा नहीं थी। लैब के निर्माण का काम पूरा हो गया है। उपकरण खरीद कर आ गए हैं, इन्हें इंस्टॉल किया जा रहा है। जुलाई में जांच शुरू की जाएगी। आज का यूपी में फिलहाल इतना ही। अपने शहर की बड़ी खबरों का अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बातें यूपी की।